तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम मनी और बैंकिंग नाम की सीरीज में बिल्कुल एक नई नवेली यूनिट, प्यारी सी, सुंदर सी, स्वीट सी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट में हमको बहुत सारी बातें पढ़नी है। हमको पढ़ना है एनपीए क्या होता है, हमको पढ़ना है बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, और भी हमको दो चार छोटे मोटे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे एनपीए के बारे में। एनपीए के ऊपर बच्चों दो वीडियोस बनेगी, एक तो बनेगी ये वाली वीडियो और एक बनेगी एक और वीडियो। दो वीडियो में आपका एनपीए खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बाकी बच्चों के टॉपिक, बेसल 3 वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई साहब, आज का बजट क्या है पहले वो जान लो। अगर बात करें आज की, तो आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एनपीए होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग असेट। फिर पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, इसके कॉजेस कारण क्या है, फिर इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ा बैंकों पे, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या होता है। ये 5 कवर करेंगे आज के लेक्चर में। जो 6 टॉपिक है, 2 एपिसोड्स ऑफ एनपीए की, 2 भयंकर भयंकर तरीके से पूरे वर्ल्ड में या देश में एनपीए कब आया, 2 एपिसोड्स ऑफ एनपीए पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो नंबर 2। तो आज की इस क्लास में हम अपने स्टार्टिंग के ये 5 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट के मीनिंग को। इससे पहले जरा समझो कि बैंकों के लिए असेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये बैंक है, ठीक है, 2 चीज होती है, एक तो होती है बैंकों ने लोन बांटा, और दूसरा होता है लोगों ने बैंकों में पैसे को जमा कराया, डिपॉजिट करवाया। बेटा जो लोगों ने पैसे को बैंकों में जमा करवाया, बेटा बैंकों के लिए वो एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंकों को वो पैसा वापस करना है। जो डिपॉजिटर है, जो बैंक कस्टमर है, बैंक में जमा करवाएंगे पैसा, तो बैंक वाले को पैसा वापस करना है, वो बैंकों के लिए लायबिलिटी है। लेकिन बैंकों ने किसी को मान लो लोन दिया, तो अगर बैंक किसी को लोन देगा तो वो पैसा बैंकों को वापस मिलेगा, और इवन उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो क्योंकि वो जो बैंकों ने पैसा किसी को दिया वो इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, वो पैसा भी वापस मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट जो बैंकों की इनकम है वो भी बैंक को मिलेगी। तो लोन देना बैंकों के लिए असेट है, बिकॉज लोन देने से बैंक पैसा कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है। जबकि किसी ने बैंक में जमा करवाया पैसा, तो बैंकों के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज जो पैसा बैंकों को वापस करना होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट की। तो हम बैंकों की असेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब असेट 2 प्रकार की होती है, इट मींस जो लोन है वो 2 प्रकार के हो गए। एक तो ऐसा लोन जो वापस आ गया, कि बैंक ने किसी को लोन दिया और उस लोन पे इंटरेस्ट भी आ रहा है और लोन भी आ गया, इट मींस वो जो असेट है वो परफॉर्म कर रही है, वो असेट अपना काम कर रही है, वो असेट हमको पैसा कमा के दे रही है, वो असेट मींस लोन, वो लोन हमको इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, तो ये असेट काम कर रही है, तो इसको बच्चों बोलूंगा मैं परफॉर्मिंग असेट, कि ये असेट जो है बच्चों परफॉर्म कर रही है, ये असेट अपना काम कर रही है, ये असेट इसका काम क्या, इसका काम है पैसे कमा के देना, तो ये लोन ये असेट इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। लेकिन ऐसा लोन जो बैंकों ने दिया, भाई अब लोन दिया बैंकों की असेट है, लेकिन वो असेट अपना काम नहीं कर रही, उससे इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। बैंक ने लोन तो दिया, सामने वाला बंदा लोन की पेमेंट कर ही नहीं रहा है, सामने वाला बंदा उस पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, असेट तो चलेगी लेकिन असेट कोई काम नहीं कर रही, कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रही, वहां से इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की असेट को या इस प्रकार के लोन को बच्चों बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो मैं सिंपल सिंपल शब्दों में अगर कहूं, तो ऐसा पैसा जो बैंकों ने लोन के रूप में दिया लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, सामने वाला बंदा लोन लेके भाग गया। बैंकों ने लोन के लिए पैसा दिया और सामने वाला बंदा भाई साहब लोन लेके भाग गया, वो असेट लेके भाग गया, वो असेट परफॉर्म नहीं कर रही, वो पैसा नहीं मिल रहा, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, प्रिंसिपल भी गया, इंटरेस्ट भी गया। तो इस प्रकार के लोन को या इस प्रकार की असेट को बच्चों अपन लोग क्या बोलते हैं, बच्चों इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनपीए। तो होपफुली एनपीए का मतलब क्या होता है आपका समझ में आ गया होगा, कि बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा लोन जो वापस रिकवर नहीं हो रहा, वो लोन पैसा नहीं, वो लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा,
ना तो प्रिंसिपल आ रहा ना उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, तो उस प्रकार के पैसों को बैंक बोलता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको बच्चों बोलते हैं बैड डेट्स, और बैंकिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो NPA का मतलब तो क्लियर है। तो क्या लिखा है कि जब बैंक ऑफर करता है लोन को तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि बैंक की इनकम होती है, और फिर उसी प्रकार के लोन को हम असेट कहते हैं बिकॉज वो लोन वो पैसा बैंकों को इनकम कमा के दे रहा है इंटरेस्ट के रूप में, उस लोन से बैंक को इनकम मिल रही है। और जो भी चीज आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बच्चे हो अकाउंट्स के बच्चे हो, जो भी चीज हमें कुछ इनकम जनरेट करके दे तो वो हमारी असेट होती है, वो हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। तो लोन एक प्रकार की असेट है बिकॉज उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब व्हेन द बोरोवर स्टॉप्स पेइंग द इंटरेस्ट, अब जब बोरोवर ने इंटरेस्ट पे करना माना, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा, या फिर दोनों ना इंटरेस्ट पे करा ना तो प्रिंसिपल पे करा, द लेंडर लॉस मनी, जिसने पैसा दिया मतलब बैंक, बैंकों का पैसा डूब जाएगा, बैंकों का लॉस होगा, सच अ लोन बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। और फिर ये लोन बैंकों के लिए एक NPA बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है, ये असेट कुछ परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ पैसा कमा के नहीं दे रही, तो ये क्या बन गया बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट। द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज सीरियसली अफेक्टेड बाय द NPA क्राइसिस विद द राइजिंग नंबर ऑफ डिफॉल्ट, और इंडिया में तो ये केस बहुत सारे हो रहे हैं, इंडिया में तो बहुत सारे डिफॉल्ट ऐसे हो रहे हैं जहां पे बैंकों को अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा, बैंकों के लिए वो NPA साबित हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे नीरव मोदी, एग्जाम्पल के तौर पे विजय माल्या, ये पैसा ले लेके भाग गए और ये पैसा इंडिया में वापस नहीं आ रहा, तो क्या बन गया ये इंडियन बैंकों के लिए NPA बन गया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेके भाग गया, वापस नहीं करा, तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए नीरव मोदी जो पैसे लेकर गया वो क्या बन गया NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया। अगर बात करूं RBI के अनुसार तो RBI बोलता है कि किसी लोन को हमने कोई लोन दिया, उस लोन को बैड लोन, बैड लोन, तो किसी बैंक ने कोई लोन दिया उस लोन को बैड लोन गंदा लोन या फिर NPA तब कहा जाएगा जब इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, कि 90 दिन हो गए और अभी भी सामने वाले ने अपना कोई इंटरेस्ट पे नहीं करा, 90 दिन हो गए लोन लिए हुए लेकिन सामने वाला बंदे ने अब तक अपना कुछ भी एक रुपया भी नहीं दिया, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो इस प्रकार के लोन को RBI की नजरों में NPA या फिर बैड लोन कहा जाता है, जहां पे नो पेमेंट फॉर 90 डेज, 90 दिन से कोई पेमेंट नहीं मिली। अभी 90 दिन तो RBI के अनुसार है, बाकी जो बैंक होता है और जो बोरोवर होता है, जो एक लेंडर लोन देने वाला बैंक और कस्टमर लोन लेने वाला बोरोवर, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टर्म्स या किसी भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस डेज को चेंज कर सकते हैं, कि कोई बैंक बोल रहा है हम तो 120 डेज का मानेंगे, कोई बैंक बोल रहा है हम तो 6 महीने का मानेंगे, लेकिन RBI के अकॉर्डिंग वो 90 दिन है, बाकी बोरोवर और लेंडर किसी भी टर्म्स और कंडीशन पे इस डेज को चेंज कर सकते हैं। तो वही बोलता है कि दिस पीरियड में वेरी, ये पीरियड जो 90 दिन का समय है ये वेरी चेंज कर सकता है ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द बैंक एंड द बोरोवर, बोरोवर बैंक जिस भी टर्म्स और कंडीशन पे एग्री हो गए उसके अकॉर्डिंग ये डेज चेंज हो सकते हैं। दैट इज द मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो मेरे ख्याल से NPA समझ में आ गया, सिंपल सरल भाषा में ये बोलूंगा जब बैंक किसी को लोन देते हैं और वो पैसा बैंकों का रिकवर नहीं हो पाता, भाई साहब बैंकों को पैसा वापस नहीं मिल पाता, बैंक बोल रहा है कस्टमर से वो कस्टमर लोन दे, कस्टमर बोल रहा है ना जी ना लोन नहीं मिलेगा, कस्टमर भाग गया लोन नहीं दे रहा, तो वो बैंकों के लिए क्या बन गया बोलो NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है भाई साहब। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ NPA की। तो भैया NPA 1, 2, 3 टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा परफॉर्मिंग असेट क्या होता है आपको मैंने बताया भाई यहाँ पे, कि एक होता है परफॉर्मिंग असेट जहां पे उस लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रिंसिपल भी मिल रहा है, दैट इज परफॉर्मिंग असेट। तो परफॉर्मिंग असेट क्या होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग असेट विच क्रिएट्स कॉन्टिन्यूस इनकम एंड रीपेमेंट एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, कि बोलता है जब भी कोई पेमेंट ड्यू हो रही है तो उस ड्यू डेट पे, कि मान लो सामने वाले व्यक्ति को हमने लोन दिया और
उसकी हर महीने की 5 तारीख की EMI बन गई कि उसको लोन तो दिया और वो हर महीने की 5 तारीख को मेरे को पैसा किस्तों में देगा। जनवरी की 5 तारीख को पैसा कुछ आ गया, फरवरी की 5 तारीख को EMI बनती है और उसकी एक फिक्स डेट होती है। तो भाई लोन दिया और जब भी वो डेट ड्यू हो रही है उस ड्यू डेट पर रीपेमेंट आ रही है और उस पर इनकम इंटरेस्ट भी मिल रहा है और वो लगातार मिल रहा है, हर ड्यू डेट पर मिल रहा है, कोई भी डेट बीच में मिस नहीं हो रही। तो उस प्रकार की असेट को बच्चों बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड असेट भी कह सकते हो। दीज असेट कैरी अ नॉर्मल रिस्क एंड आर नॉट NPA इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। इस असेट पे क्या है, नॉर्मल रिस्क। नॉर्मल रिस्क बोले तो कि भाई लोन दिया और कोई ज्यादा रिस्क नहीं है कि बंदा जाके भग जाएगा, नॉर्मल सा रिस्क है कि भाई दे देगा। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जब लगातार पैसा मिल रहा है तो ये NPA नहीं है। NPA तो वो होता है कि 90 दिन हो गए भाई साहब, 1 रुपया भी नहीं मिला, सामने वाला बैंक में मुदहाई करने आया भी नहीं कि एक बार बैंक में चला जाऊं शक्ल दिख, 90 दिन हो गए और उस कस्टमर का दीदार तक नहीं हुआ, उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली, तो भैया वो NPA कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हैंस नो स्पेशल प्रोविजन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड असेट। अब ये नो स्पेशल प्रोविजन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड असेट का मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इसके लिए बस इतना बोल सकता हूं कि जब बैंकों का कोई लगता है कि ये वाला बंदा पैसा लेके भाग जाएगा, जैसे कि बताऊं आप अकाउंट्स तो पढ़ते होगे, तो अकाउंट्स में आपको लगता है कि भाई वो वाला जो मेरा डेटर है वो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, वो मेरा बैड डेट कर देगा कि भाई उसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, संपर्क नहीं हो रहा, उसे घर पे कॉल कर रहा हूँ कोई कॉल उठा रहा, तो डर लग रहा है कि यार वो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। तो ऐसे डेटर के लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोविजन, जिसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि जब लगता है सामने वाला बंदा पैसा लेके भाग जाएगा तो हम एक अलग से गुल्लक बना लेते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं जहां पे कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करते रहते हैं कि कल को पैसा लेके भाग गया तो मेरे पास एक गुल्लक है जहां पे कुछ पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा था और वो पैसा मेरे काम आएगा। तो प्रोविजन बनता है किन लोगों के लिए, डाउटफुल डेट के लिए, कि जो बंदा पैसा लेके भाग रहा है मेरा, इसके ऊपर डाउट है। लेकिन यहां पे वो बंदा पैसे लेके नहीं भाग रहा, वो बंदा नहीं भाग रहा, वो आराम से टाइम पर अपनी पेमेंट कर रहा है, मुझे कोई डर नहीं है उसका, तो क्या उसके लिए कोई मैं अलग से गुल्लक बनाऊंगा, क्या मैं अलग से कोई प्रोविजन बनाऊंगा, क्या मैं अलग से उसमें पैसा ऐड करूंगा, नहीं करूंगा। अगर सामने वाले का डर है मेरे को भाई पैसे लेके भाग जाएगा तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा ना भाई, तो स्टैंडर्ड असेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं बनता। अब बात करें नॉन परफॉर्मिंग असेट की, इसके टाइप की, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड असेट, लोन और एडवांस, विच आर नॉन परफॉर्मिंग असेट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। भाई सब 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, और 1 साल हो गया और अभी तक बंदा कोई आता पता नहीं है। 1 साल से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, उसके घर तक जा रहा हूँ, घर पे कोई नहीं मिल रहा, उसे कॉल कर रहा हूँ, नंबर से चौंका रहा है, 1 साल हो गया कोई आता पता नहीं है। तो 1 साल तक अगर कोई मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही, 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं मिल रही, तो इसको बच्चों बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। देखो पेमेंट टाइम पर मिल रही है तो स्टैंडर्ड, लेकिन पेमेंट टाइम पर मिलना बंद हो गई और ऐसा हुए हुए 1 साल हो गया, सब स्टैंडर्ड असेट। लेकिन अब जो है 1 साल से भी ऊपर हो गया, 1 साल तक तो क्या थी वो सब स्टैंडर्ड, अब 13 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, इट मीन्स 12 महीने ज्यादा, कि 1 साल से ऊपर हो गया और अब तक उस सामने वाले बंदे का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं मर गया, सड़ गया, कहाँ चला गया, कुछ अता पता नहीं है। 1 साल से ऊपर हो गया, नॉन परफॉर्मिंग, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सामने वाले से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्ट नहीं, कुछ प्रिंसिपल नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया, तो इसको बच्चों बोलते हैं फिर डाउटफुल असेट। क्या बोलते हैं उसको, डाउटफुल असेट। और अगर बताऊं थोड़ा टेक्निकली, तो डाउटफुल असेट का समय होता है बच्चों 1 साल से 3 साल, कि 1 साल से लेके 3 साल हो गया और 3 साल हो गया और अब तक उस सामने वाले बंदे का कोई अता पता नहीं है, भाई पता नहीं कहाँ भग गया, 3 साल हो गया, तो वो क्या बन जाएगी, उसको बोलूंगा डाउटफुल असेट। और तो और अब अगर 3 साल से ज्यादा हो गया और अब लग रहा है कि भाई अब तो पैसा रिकवर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, 3 साल हो गए ना अता ना पता कुछ भी नहीं,
तो फिर वो असेट तो उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा लॉस असेट्स कि भाई वो तो मेरी बर्बाद हो ही गई, वो तो मेरा पैसा डूब ही गया, उसको लॉस असेट कहा जाएगा। तो एनपीए तीन टाइप का होता है, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। मैं इसको एक पूरे के पूरे टाइमलाइन से समझाना चाहूंगा। देखो 1 जनवरी 2019 को मान लो मैंने किसी को लोन दिया, ठीक है, अब हर महीने उसकी पेमेंट आनी चाहिए थी। 1 जनवरी 2019 को लोन दिया और इस लोन को बच्चों 90 दिन हो गए, कब हो गए, 1 जनवरी से 31 मार्च इस लोन को दिए हुए 90 दिन हो गए, और 90 दिन के अंदर अभी कोई पेमेंट नहीं आई, 90 दिन हो गए, 90 दिन के अंदर अभी कोई पेमेंट नहीं है। तो देखो 90 दिन तो चलता है, 90 दिन तक तो चलता है कि 90 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी भी स्टैंडर्ड असेट ही माना जाएगा, अभी उसको एनपीए नहीं बोलूंगा। एनपीए कब बोलूंगा, जब 90 दिन से ऊपर हो जाएगा। 90 दिन तक चलता है, पेमेंट नहीं आ रही, एक महीना नहीं आई, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, नहीं आई नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए, अब तक कोई पेमेंट नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप स्टैंडर्ड असेट ही बोलोगे कि ठीक है आ जाएगी। तो इस पीरियड में जो मेरी असेट है उसको बच्चों मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड असेट, कि ठीक है पैसा आ जाएगा। लेकिन सुनो, अब 31 मार्च हो गया, 90 दिन हो गए, अब उस दिन से, उस 31 मार्च से देखा भाई एक साल हो गया और अब तक कोई पेमेंट नहीं आई, इट मीन्स 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक भाई एक साल हो गया। बेटा एक साल यहां से काउंट नहीं करना, एक साल वहां से काउंट करना है जब 90 दिन खत्म हो जाएंगे। भाई एक साल हो गया अब तक कोई पेमेंट नहीं आई, तो फिर इसको बोला जाएगा अब सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। अब जहां पे सब स्टैंडर्ड असेट का टाइम खत्म हुआ और वहां से मैंने देखा 31 मार्च 2020 से 23 पर पहुंच गए, भाई सब 3 साल हो गए, और 3 साल हो गए अब तो कोई अता पता नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में उस असेट को बच्चों बोला जाएगा डाउटफुल असेट, क्या बोला जाएगा उसको। और भाई 31 मार्च 2023 तक आ गया, अब तक अता पता नहीं है, तो इसके बाद अब उस असेट को बच्चों क्या बोलेंगे, जो उसको बोलेंगे लॉस असेट। तो मेरे ख्याल से पल्ले पड़ गया होगा ये स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट या फिर लॉस असेट क्या होता है, समझ में आ गया। तो ये था क्या आपका टाइप ऑफ एनपीए, जो कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताता है कि असेट कौन सी है, ठीक है, ये भी आपको बच्चों से पल्ले पड़ गया होगा। चलिए अब बच्चों बात करते हैं एनपीए के कॉजेस की, ये एनपीए होता क्यों है, ये हमने बैंक वाले ने लोन दिया, ये सामने वाला बंदा ये लोन लेके भाग कैसे गया, या फिर बैंक वाले तो लापरवाह कैसे थे कि लोन दे दिया और रिकवर नहीं कर पा रहे, तो कॉजेस ऑफ एनपीए, एनपीए होता क्यों है। तो भाई सुनो, सबसे पहला कॉज मिस यूटिलाइजेशन, कि जब बैंकों ने बोरोवर को लोन दिया और वो बोरोवर जिस पर्पज से उसने लोन लिया वो उसका यूज वहां पे ना करके कई और यूज कर रहा है। एक बोरोवर ने लोन लिया कि भाई मेरे को, एक किसान ने लोन लिया कि भाई मेरे को लोन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो बैंक वाले को लगा ठीक है खेती बाड़ी करेगा, फसल उगाएगा, पैसा बेचेगा, मेरा पैसा आ जाएगा, तो बैंक वालों ने तो इस पर्पज से लोन दिया ना खेती बाड़ी करेगा। लेकिन उस बंदे ने लोन लिया और खेती बाड़ी करने के बजाय उस पैसे से उसने बेटी की शादी करवा दी, पर्पज चेंज हो गया। अब बताओ क्या बेटी की शादी करवा दी उस पैसे से, क्या अब उसकी एग्रीकल्चर बढ़ जाएगा, इससे क्या उससे उसकी इनकम बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, अभी उसने उस पैसे का प्रयोग खेती बाड़ी के लिए किया ही नहीं, अब बंदा पेमेंट कैसे करे। तो यहाँ पर सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो टालेगा टालेगा टालेगा, भग जाएगा, फोन वोन बंद कर देगा, घर चेंज कर लेगा, एड्रेस चेंज कर लेगा, और बैंकों के लिए ये क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। तो क्या बोलता है कि जब बोरोवर यूज करता है फंड को दूसरे पर्पस के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर द पर्पस ही टेक लोन, क्योंकि जिस पर्पस से लोन लिया उसके अलावा जब वो दूसरे पर्पस से उसको यूज करेगा तो ये एनपीए बन जाता है। दूसरा 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 बच्चों पॉइंट है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब है कि सामने वाला बंदा बैंक में लोन लेने ही इसलिए जा रहा है कि वो काटेगा बैंक को, काटेगा इन द सेंस वो भैया बैंक को पागल बनाएगा,
वो बैंक का पैसे लेके भागेगा कि मैं लोन लेने जा रहा हूँ और मैं तगड़ा लोन लूंगा और मुझे पेमेंट तो करनी नहीं है, मैं लोन लेके भाग जाऊंगा, देश वे छोड़ दूंगा, घर वर चेंज कर लूंगा, फोन वोन बंद कर दूंगा, भाग जाऊंगा। तो जिसके मन में ही क्या है कि मुझे डिफॉल्ट करना ही करना है, तो उसके वजह से भी एनपीए होता है, दैट इज विलफुल डिफॉल्ट। ये कॉमन फैक्टर है एनपीए के पीछे कि ऐसे बोरोवर्स भी होते हैं जिनके पास क्षमता तो है लोन को पे बैक करने की, लेकिन इंटेंशनली उनके मन में नहीं आता मैं लोन को पे करूं, और वो लोन लेके भाग जाते हैं। जैसे कि नीरव मोदी, जिसने क्या करा, पीएनबी बैंक में स्कैम किया, पीएनबी के पैसे लेके भाग गया। फिर तीसरा, नो प्रॉपर फॉलो अप। कहीं ना कहीं गलती बच्चों बैंक की भी होती है, बैंकों ने लोन तो दिया लेकिन लोन देने के बाद बैंकों को जिस व्यक्ति को लोन दिया उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, समय समय पर उसको कॉल करनी चाहिए, उससे लोन के बारे में बात करनी चाहिए, समय समय पर उसका एड्रेस वेड्रेस सारी जानकारी लेनी चाहिए। बैंक ने क्या किया, बैंक ने लोन दिया और सामने वाले बंदे से एक बार भी संपर्क करने का ट्राई नहीं करा, एक महीना हो गया और एक महीने के अंदर तो पता नहीं बंदा कहाँ पहुँच गया। तो भैया बैंकों को भी फॉलो अप, जिसको लोन दिया उसको फॉलो करना चाहिए। क्या लिखा है कि एक बार जब लोन डिसबर्स बाय द बैंक, जब लोन जो है बैंक बोरोवर्स को बांट देता है, तो बैंक को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो अप करने की नीड है, ठीक है, उस बोरोवर के कॉन्टैक्ट में रहने की बैंकों को नीड है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से बैंकों का एनपीए हो जाता है। कैसे भाई, बैंक ने पूछा ही नहीं उस कस्टमर से क्या हुआ, अब उस बोरोवर ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, वो नया एड्रेस पर रह रहा है, या फिर बोरोवर दूसरे देश में चला गया, जिससे क्या हो गया, इस बैंकों का पैसा डूब गया, बिकॉज बैंकों ने उससे कोई संपर्क रखा ही नहीं। चौथा कॉज इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है बैंकों ने किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को लोन दिया, लेकिन उस इंडस्ट्री में समस्या पैदा हो गई, उस इंडस्ट्री में नई तकनीक आ गई, उस इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए, सरकार कोई न्यू पॉलिसी लेके आ गई, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री है, मेरी कोई कंपनी है, मैं बैंक से अपनी कंपनी के लिए लोन लेके आया कि मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंपनी को आगे बढ़ाने लग गया, मैंने खर्चा वर्चा कंपनी में कर दिया, तो कंपनी में खर्चा करने के बाद चला पता कि अबे यार देश में तो कुछ और हो रहा है, देश में तो नई तकनीक आ गई, सरकार तो ये पॉलिसी लेके आ गई, जिसकी वजह से मेरी कंपनी में जो मैंने खर्चा किया अब वो किसी काम नहीं आ रहा, उस जो वस्तु बना रहा उसकी डिमांड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज देश में चेंजेस आ गए, नई तकनीक आ गई, और मैंने क्या करी, मैंने उस लोन से ओल्ड मशीन खरीद ली, सरकार न्यू पॉलिसी लेके आ गई, जबकि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं ओल्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अब देश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मेरी वस्तुओं की डिमांड मार्केट में नहीं हो रही, मेरी वस्तुएं बेकार बन रही है, मार्केट में अच्छी अच्छी वस्तु आ गई, अब जब मेरी डिमांड नहीं होगी, मेरी वस्तु मार्केट में नहीं बिकेगी, तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, जब मेरे पास ही पैसा नहीं आएगा तो मैं बैंकों को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी इंडस्ट्री डाउन हो रही है। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इसकी वजह से भी एनपीए होता है। क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब है कि भैया क्या आ गई, भाई नई तकनीक आ गई, इनफेक्टिव मैनेजमेंट, आपका जो है मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, फ्रिक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार ने किसी पॉलिसी में चेंज कर दिया एक्सेट्रा। तो इस केस में क्या होता है, द बैंक डेट फाइनेंस सच इन, तो बैंक जब ऐसी इंडस्ट्री को पैसा देता है, इवेंचुअली एंड अप विथ लो रिकवरी ऑफ देयर लोन, तो बैंकों को यहाँ से अपनी लोन की रिकवरी ज़्यादा नहीं हो पाती। क्यों, बिकॉज वो इंडस्ट्री काम करने लायक नहीं रही और वो इंडस्ट्री पैसा नहीं कमा पा रही, तो बैंकों के लोन की पेमेंट कैसे करें। तो यहाँ से भी जो है एक एनपीए का कॉज बनता है। उसके बाद इनइफेक्टिव लैंडिंग, बैंक जब लोन देता है तो ये बैंकों की ड्यूटी बनती है कि सामने वाले व्यक्ति जिसको भी वो लैंड कर रहा है, जिसको भी वो लोन दे रहा है, भाई उसको एक बार जांच पड़ताल कर ले, उसके एक बार चेकिंग कर ले, एक बार उसका रिकॉर्ड चेक कर ले, उसकी प्रोफाइल चेक कर ले। बैंक क्या करेगा, बिना प्रोफाइल चेक करे सामने वाले को लोन दे देगा और वहां पे बैंक का पैसा डूब जाएगा। अगर मैं किसी बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो बैंक वाले की ड्यूटी बनती है कि भाई मेरी प्रोफाइल चेक करे, मेरा पैन कार्ड ले, आधार कार्ड ले, और उसके माध्यम से उस बैंक वाले को सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या मैंने और कहीं लोन ले रखा है, मैंने कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है, मैंने कितना डिफॉल्ट कर रखा है। अगर ऐसे बैंक चेक करेगा तो मेरे को लोन नहीं देगा, उसने कुछ चेक किया ही नहीं, आओ जाओ लोन लो, लोन लो, लोन लो, भाई लोन दे दिया, अब बेटा भुगतो, कटवाओ अपना पैसा, मतलब अब भुगतो भाई, जाओ डूबो, हम तो तुम्हारे पैसे लेके भागेंगे, हम तो थे ही डिफॉल्टर। तो क्या लिखा है कि भाई एक एरोजन ये भी है
इंक्रीजिंग एनपीए का, कि जो बैंक जब लोन ग्रांट करती है किसी पर्सन को तो उसको बिना प्रॉपर एनालाइज किए, उसकी बिना प्रोफाइल चेक किए, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को बिना चेक किए बैंक लोन दे देती है। भाई बैंक को चेक करना चाहिए कि मे बी हो सकता है बोरोवर ऑलरेडी हैविंग अदर लोन टू, कि भाई मैंने कोई और भी लोन ले रखा हो, या मेरी अर्निंग मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लोन की रिपेमेंट कर सकूं, या फिर मैं लोन किस पर्पज से ले रहा हूं। तो ये सब चीज़ें जब बैंक चेक करेगा उसको तभी लोन देना चाहिए। अगर बिना ये सब चीज़ें चेक किए बैंक लोन दे देगा तो भैया बैंक का पैसा डूबेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, सिक्स क्या है, नेचुरल कैलेमिटी। बेटा इंडिया जैसे देशों में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती है, और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से बेटा बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका घर टूट गया, घर बर्बाद हो गया। एक कंपनी है, मान लो कंपनी पूरी गिर गई, भूकंप आया तेज, वो कंपनी पूरी डूब गई, लोग वगैरह मर गए। तो अब ऐसे केस में वो घर वाला व्यक्ति लोन की पेमेंट कैसे करेगा, या वो कंपनी लोन की पेमेंट कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। तो प्राकृतिक आपदा की वजह से जब लोगों का नुकसान होता है तो उनका माल पानी पैसा सबका नुकसान होता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है जिन्होंने लोन ले रखा था वो बैंकों के पेमेंट नहीं कर पाते, और बैंकों के लिए क्या बन जाता है, ये बैंकों के लिए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। तो इंडिया में प्राकृतिक आपदा बहुत कॉमन है, और ये प्राकृतिक आपदा है प्रॉपर्टी और असेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी संपत्ति सब डूब जाती है, जिसकी वजह से वो बोरोवर है अब उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती वो लोन की पेमेंट कर सके, उसकी लोन की पेमेंट करने की क्षमता रिड्यूस जाती है, और बैंकों के लिए वो पैसा एनपीए बन जाता है। एनपीए का अपना अगला कॉज है इकोनॉमिक कंडीशन। बट हमारे देश में अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है, बिजनेस साइकिल चलती है, आपको पता होगा बूम, ठीक है, बूम होता है, रिकवरी होता है, रिसेशन, डिप्रेशन। बेटा ये जो साइकिल है जो बूम बूम चकी चकी बूम, मतलब अबे समझते हो, साइकिल जो होती है अबे वाली जो होती है बिजनेस साइकिल, ठीक है, तो ये ट्रेड साइकिल। तो बूम पीरियड होता है जहाँ पे बहुत देश में अच्छा चल रहा होता है, रिसेशन होता है देश बहुत बेकार स्थिति में होता है, मंदी तेजी। तो रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, बूम के टाइम पे क्या होता है, बूम के टाइम पर बैंक बहुत लोन बांटते हैं, बूम पीरियड चल रहा है, बूम मतलब अच्छा समय, बैंकों ने बहुत लोन बांटा, ले तू भी लोन ले, तू भी लोन ले, तू भी लोन ले। बूम में तो लोन बैंकों ने बांट दिया, लेकिन जैसे ही वो बूम कहाँ पे आता है, जैसे ही बूम डिप्रेशन में आता है, रिसेशन में आता है, वो लोग जिन्होंने लोन लिया था अब बुरे समय में आके, मंदी के टाइम पे आके, डिप्रेशन में आके, रिसेशन में आके, वो लोग लोन की पेमेंट नहीं कर पाते, और ये रिसेशन ये डिप्रेशन बनता है कारण एनपीए का, बिकॉज अब देश में बुरा समय आ गया और इस बुरे समय के अंदर लोगों के पास इतने पैसा नहीं है वो लोन की पेमेंट कर सके, जिसकी वजह से लोगों ने जो लोन लिया वो बैंकों के लिए एनपीए बन जाता है। तो क्या बोल रहा है, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी होती है स्टेजेस, रिसेशन, बूम, डिप्रेशन एक्सेट्रा, और ये स्टेजेस बच्चों एनपीए को अफेक्ट करती है। अगर सिचुएशन काफी टफ है, काफी बुरी है, जैसे कि मान लो रिसेशन है या डिप्रेशन है, तो ऐसे केस में बैंकों ने जो लोन दिया था अब उनके एनपीए, उन लोन का एनपीए बनने का रिस्क बढ़ जाता है कि वो लोन एनपीए ना बन जाए। अब देश में बुरा समय आ गया, लोग पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे, जो लोन लिया है उसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो पैसा एनपीए बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला कॉज है बच्चों प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स। एनपीए बनने का एक ये कॉज ये भी है, जो सीनियर्स हैं वो फोर्स करते हैं, प्रेशर देते हैं कि भाई साहब लोन बांटो, लोन बढ़ाओ, पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जो बॉस है, जो ब्रांच मैनेजर है, वो अपने नीचे एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भाई कितना लोन बटा आज का, कितना लोन बटा आज, कितना लोन बटा, टारगेट पूरा करो। ये ऐसा होता है बैंकों में, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, वो काम करता है, काम करती है मुथुट फिनकॉप में, उनके ऊपर होता है टारगेट कि आज का तुम्हें एक लोन तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, दो लोन डिस्ट्रीब्यूट करना ही करने हैं। तो एक टारगेट होता है, सही मारा, जिसके बेस पे क्या होता है, वो व्यक्ति बिना कुछ जांच पड़ताल किए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सामने वाले को लोन दे देते हैं, उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक नहीं करते।
और वही वाली बात, जब बिना प्रोफाइल वगैरह चेक किए बस टारगेट को पूरा करने के लिए आप लोन देते जाओगे तो वो लोन आपके एनपीए बनने के, वो लोन आपका एनपीए बन जाएगा, उसके एनपीए बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भाई सीनियर से जो प्रेशर मिलता है उसकी वजह से भी पैसा एनपीए बन जाता है। क्या लिखा है, जब एम्प्लॉई के ऊपर प्रेशर होता है अपनी सीनियर से कि भाई टारगेट पूरा करना है लोन का, कि आज इतना लोन बांटना ही बांटना है, तो उस केस में एम्प्लॉय ट्राई करता है वो टारगेट को पूरा करे। कैसे, बाय ग्रांटिंग लोन टू रॉन्ग पर्सन, जिससे क्या होता है वो कभी कभी गलत व्यक्ति को बिना उसकी औकात चेक किए, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या औकात, बिना उसकी औकात चेक किए वो गलत पर्सन को लोन बांट देते हैं। चेक भी नहीं करते कि उसके पास और कोई लोन तो नहीं है, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते, बस लोन को बांट देते हैं ताकि टारगेट पूरा हो, इवन उसके क्या पता डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट ना हो, और ऐसे केस में फिर वो पैसा एनपीए बन जाता है। उसके बाद नाइन्थ कॉज है इन इफेक्टिव रिकवरी ट्राइब्यूनल। हमारे देश में अलग अलग ट्राइब्यूनल, अलग अलग संस्थाएं बनी है एनपीए के लिए। भारत सरकार ने अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया है कि जब कुछ एनपीए हो जाए तो उस एनपीए को रिकवर करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई है, ताकि ये संस्था उस एनपीए के पैसे को रिकवर करवा सके। फॉर एग्जांपल, मैं एक बैंक हूँ, मैंने किसी को लोन दिया और वो पैसा एनपीए बन गया, तो मैं बैंक वाला जाऊंगा इस संस्था के पास और बोलूंगा कि यार देखो वो बंदा मेरे पास लेकर भाग गया। तो ये संस्था क्या करेगी, ये संस्था उस बंदे को पकड़ेगी और कैसे भी करके उससे पैसा निकलवाएगी और मुझे वापस करेगी। तो ये संस्था है, ये संस्थाएं जो बनाई है एनपीए रिकवर करने के लिए, ये संस्थाएं भी तो ठीक से काम नहीं करती है, ये संस्थाएं भी तो बेकार काम करती है, ये संस्थाएं भी तो एनपीए रिकवर करने के लिए अच्छे से स्टेप नहीं उठाती, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ जाता है। ये संस्था अगर अच्छे स्टेप उठाए, ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो एनपीए ना बने। सही हमारा है, तो भी बोलता है इन इफेक्टिव रिकवरी ट्राइब्यूनल, कि ऐसी ट्राइब्यूनल्स है, ऐसी संस्था है जो इनइफेक्टिव काम करती है। क्या बोलता है कि देश में नंबर ऑफ रिकवरी ट्राइब्यूनल हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने बहुत सारे ट्राइब्यूनल बनाए हैं। इनका पर्पस क्या है, इन संस्थाओं का पर्पस है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस, कि जो भी लोन एंड एडवांस बैंक ने दिया है उसकी रिकवरी करे। जैसे कि एक संस्था का नाम है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जिसको 1993 में बनाया गया। एक का नाम है लोक अदालत, जिसको 2001 में बनाया गया, और ही बहुत सारी होती है, ठीक है। लेकिन ये ट्राइब्यूनल हैव नॉट बीन वेरी इफेक्टिव, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं करती, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ जाता है। जो अगला कॉज है लैक ऑफ डिमांड। अब लैक ऑफ डिमांड क्या होता है, भाई मेरी बात को सुनो, कोई भी व्यक्ति एक्यूरेटली यह नहीं बता सकता कि फ्यूचर में मेरी वस्तु की डिमांड कितनी होगी। अब मान लो मैंने एक लगाया अंदाजा कि फ्यूचर में मेरी वस्तु की इतनी डिमांड होगी, और उस बेस पे मैं बैंक से लोन लेके आ गया कि लोन ले आया, वस्तु बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, इतनी डिमांड होगी, इतना पैसा आएगा, लोन की पेमेंट कर दूंगा, ये मैंने सब कुछ दिमाग में किया। अच्छा, मैं लोन लेके आ गया, मैंने वस्तु बनाई, और जैसे ही मैंने बेचना स्टार्ट किया, भाई मेरी वस्तु की डिमांड हुई नहीं, मार्केट में मेरी वस्तु बिकी नहीं, जिसकी वजह से मेरे पास उतना पैसा आया नहीं। जब मेरे पास पैसा आया नहीं, मतलब लॉस में आ गया, और मैं बैंकों का लोन भी वापस नहीं कर पाया, और बैंकों के लिए वो पैसा क्या बन गया, एनपीए बन गया। तो क्या बोलता है कि कोई भी एक्यूरेटली फ्यूचर की डिमांड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है डिमांड को प्रेडिक्ट करने में, कि भाई कितनी सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसके पास दे एंड अप हैविंग अ लार्ज पाइल ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, उसकी बहुत सारी वस्तुएं अनसोल्ड बिना बिकी रह जाती है। उसने सोचा था डिमांड होगी 100, लेकिन डिमांड हुई केवल 10%, 90% माल उसका बिना बिके रह गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, उसका प्रॉफिट कम हो गया, उसका लॉस हो गया, और तो और अब वो लोन और एडवांस को पे करने में भी सक्षम नहीं है, अनएबल है, और वो पैसा क्या बन गया, बैंकों के लिए एनपीए बन गया। तो ये थे बच्चों आपके 10 कॉजेज ऑफ एनपीए, कि एनपीए के पीछे कारण क्या है। बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे, होपफुली समझ में आ गए होंगे। अब जरा बात करते हैं इंपैक्ट्स ऑफ एनपीए ऑन बैंक। बेटा एनपीए का बैंकों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, या फिर देश में प्रभाव क्या पड़ता है। अगर एनपीए हो गया तो क्या यह अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है, लेकिन इससे इसके इम्प्लीकेशन क्या है,
इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आइए एक बार उसको भी पढ़ते हैं। तो भैया एनपीए का सबसे पहला नुकसान ये है, रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी। भैया बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि बैंकों की जो मेन इनकम है वो है इंटरेस्ट। बैंक अगर लोन देगा तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, वो बैंक की मेन इनकम है। अब बैंक ने लोन तो दिया लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, जैसे क्या होगा, बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाता है, बिकॉज बैंकों को ना तो कोई प्रिंसिपल मिला ना तो कोई इंटरेस्ट मिला। तो पहला क्या हो गया, रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड, इफेक्ट्स ऑन फंडिंग, इफेक्ट्स ऑन फंडिंग। अगर एनपीए बढ़ेगा, अगर एनपीए बढ़ेगा तो भैया इससे बैंक डर जाएगा, बैंक ने पैसा दिया उससे पैसा नहीं आया एनपीए हो गया, बैंक ने इसको पैसा इससे पैसा नहीं आया एनपीए हो गया। अब बैंक डर गया, अब बैंक बाकी को लोन देगा ही नहीं, लोन बहुत कम कम देगा, बहुत लोन कम बांटेगा, बहुत रिस्क पर लोन बांटेगा, वो लोन कम कर देगा, इससे क्या होगा, जिससे देश में लेंडिंग कम हो जाएगी, बिकॉज बैंक वाला लैंड तो करता है, जब पैसा बैंक का डूब रहा है तो बैंक लेंडिंग करना बंद कर देगा, देश में लेंडिंग कम हो जाएगी, और जैसे ही लेंडिंग कम होगी देश में एक्टिविटीज होना कम हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी तो होती है जब बैंकों से पैसा मिलेगा, फिर लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, देश तभी तो आगे बढ़ेगा। बैंकों लैंडिंग कम कर दी, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, देश की ग्रोथ कम होगी, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली पूरे देश की इकॉनमी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इससे फंडिंग पर इफेक्ट पड़ता है एनपीए के बढ़ने से, उसके डर से। अब अदर बोरोवर को, दूसरे बोरोवर को क्या करता है बैंक, काफी लेस फंडिंग करता है ड्यू टू फियर ऑफ फर्दर एनपीए, कि और एनपीए ना हो जाए, और इससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा, लॉस ऑफ गुडविल। भाई बैंकों की गुडविल घट गई, क्या हो गया, बैंकों की बच्चों गुडविल घट गई। जितना ज्यादा एनपीए होगा उतना ही बैंकों का प्रॉफिट कम होगा, एनपीए हो रहा है बैंक का लॉस हो रहा है, बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैंकों की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट कम होगा लॉस होगा तो बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी नहीं रहेगी। अब कोई भी इन्वेस्टर जिस बैंक के शेयर्स खरीदना चाहता है, जब वो बैंक की बैलेंस शीट देखेगा तो देखेगा, अबे यार ये तो बड़ा बैंक, ये तो बड़ा बेकार बैंक है, इस बैंक का तो प्रॉफिट कम है, इसका तो एनपीए ज़्यादा है, मैं इस बैंक के शेयर्स क्यों खरीदूँ, मैं इस बैंक में पैसा क्यों लगाऊँ, ये बैंक तो बेकार है। जिससे क्या होगा बैंकों के शेयर्स के दाम गिर जाएंगे, बैंकों के शेयर होल्डर शेयर बेच बेच निकल जाएंगे, बैंकों के इन्वेस्टर कम हो जाएंगे, बैंकों की गुडविल खराब हो जाएगी। कैसे क्या होता है, इससे बच्चों बैंकों की पूर इमेज बनती है और बैंकों की गुडविल खराब होती है। क्यों, बिकॉज बैंक की पूरी बैलेंस शीट बेकार हो गई, बैंकों की बैलेंस शीट की पूरी ऐसी की तैसी हो गई, बैलेंस शीट खराब हो गई, बिकॉज बैलेंस शीट में प्रॉफिट के स्थान पे लॉस शो हो रहा है। समय में आ गया। चौथा, अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम मतलब होता है कि जब बैलेंस शीट एक की खराब ना हो, जब बैलेंस शीट दो की खराब हो। अब दो की बोले तो, बैंक ने जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी ने उस लोन का यूज़ किया, लेकिन वो कंपनी लोन का यूज़ ठीक से कर नहीं पाई और कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पाई, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में लॉस आ गया। कोई कंपनी लोन का ठीक से यूज़ कर नहीं पाई, कंपनी की डिमांड हुई नहीं, कंपनी का लॉस हो गया, तो कंपनी की क्या हो गई, बैलेंस शीट खराब, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर लॉस आ रहा है, और अब वो कंपनी बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रही, बैंकों के लिए क्या बन गया, वो एनपीए बन गया, तो यहाँ पर बैंकों की भी बैलेंस शीट खराब। तो जब दो लोगों की बैलेंस शीट एक साथ खराब हो, बैंकिंग की भी, उसका एनपीए हो गया, और कंपनी की भी, उसका लॉस हो गया, मार्केट में उसकी वस्तु की डिमांड नहीं हुई, तो ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट जब दोनों एक साथ खराब होती है उसको बच्चों बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो एनपीए का एक इम्पैक्ट ये पड़ता है, ट्विन बैलेंस शीट देखने को मिलता है, क्योंकि एनपीए के माध्यम से दोनों की बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कॉरपोरेट हाउस हो चाहे वो बैंक हो। उसके बाद अगला है रीकैपिटलाइजेशन बाय गवर्नमेंट। अब मान लो जिस बैंक का एनपीए हुआ वो बैंक गवर्नमेंट बैंक है, मान लो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई इस बैंक का मान लो एनपीए हो गया, तो इस बैंक का लॉस हो रहा है, इस बैंक की कैपिटल कम हो रही है, तो यहां पर अब सरकार के ऊपर भी बनता है प्रेशर, या फिर आरबीआई के ऊपर भी बनता है प्रेशर कि वो अपने बैंकों को जिंदा रखे, अपने बैंकों को डूबने ना दे। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट या आरबीआई
को अपनी जेब से उस बैंकों को पैसा देना पड़ेगा ताकि बैंक वापस खड़ा हो सके, ताकि बैंक वापस स्टेबल हो सके। इसको बोलते हैं रीकैपिटलाइजेशन, जहां पे सरकार मतलब आरबीआई बैंकों को पैसा देता है बिकॉज बैंकों का बहुत ज्यादा एनपी हो गया, बैंकों का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो बैंक अब डूबने वाला है। और आरबीआई चाहेगा कि कोई भी बैंक ना डूबे, क्योंकि अगर बैंक डूबना स्टार्ट हो गए तो जनता का बैंकों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और फिर जनता अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं करवाएगी। और जब तक बैंकों के अंदर पैसा नहीं आएगा, आगे लोन नहीं बटेगा और इकोनॉमी काम नहीं कर पाएगी, तो बैंकों का जिंदा रहना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या होता है, सरकार को या आरबीआई को बैंकों को पैसा भरना पड़ता है ताकि बैंक वापस स्टेबल हो सके। इसे क्या बोलते हैं, रीकैपिटलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट है कम्स अंडर द प्रेशर टू बेल आउट। बेल आउट माने क्या होता है, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, सरकार को अपने बजट में से कुछ पैसे निकाल के बैंकों को देना पड़ता है ताकि बैंक वापस स्टेबल हो सके। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुनः पूंजीकरण, रीकैपिटलाइजेशन। उसके बाद छठा इंपैक्ट क्या पड़ता है, हमने पढ़ लिया वैसे, रिडक्शन इन शेयर प्राइस। भाई सब जिस बैंक के शेयर है, जिस बैंकों के शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, यस बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब के शेयर्स मार्केट में है, तो होता क्या है भाई, इन सब के शेयर के दाम गिर जाएंगे। मान लो एचडीएफसी का कोई एनपीए हुआ, जिससे क्या होगा, एचडीएफसी की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, एचडीएफसी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट के स्थान पर लॉस आएगा, और जैसे ही लॉस आएगा शेयर होल्डर इन्वेस्टर डर जाएंगे, भाई एचडीएफसी बेकार बैंक बन गया, भाई ये तो बेकार बैंक हो गया। जिससे क्या होगा, लोग जो शेयर होल्डर है वो शेयर बेचना स्टार्ट करेंगे, भाई इसके शेयर बेचो निकलो, बेकार कंपनी बन गई, इसका लॉस हो रहा है, इसके शेयर बेचो और निकलो। तो शेयर होल्डर शेयर बेच बेच के निकलेंगे, जिससे क्या होगा, शेयर प्राइस के दाम कम हो जाएंगे, बैंकों को और एक तगड़ा लॉस होगा कि उनकी इक्विटी शेयर्स कम हो गई, उनकी कैपिटल कम हो गई। और ऐसा हुआ था किसके साथ, ऐसा हुआ था आपका पीएनबी के साथ, जब पीएनबी का स्कैम हुआ था कि पीएनबी में जब नीरव मोदी 13,600 करोड़ रुपए लेके भग गया था, कि 13,600 करोड़ का उसने फ्रॉड किया था, तो ऐसे केस में जो पंजाब नेशनल बैंक के शेयर है, जो कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 5 महीने के अंदर अंदर 55% गिर गए थे। समझ रहे हो, 55% गिर गए थे, कि 55% शेयर के दाम गिर गए थे बिकॉज नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एनपीए कर दिया। तो जिससे क्या होता है, एक बैंकों के शेयर प्राइस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद 7th है डिस्क्लोजर ऑफ द बैंक का मतलब है जब एनपीए कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और अब उस पैसे को रिकवर करना काफी इम्पॉसिबल है, अब वो पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में बैंक अपने आप को डिस्क्लोज मतलब अपने आप को बैंक बंद भी कर सकता है, अपना जो है डिसोल्यूशन अपनी वाइंडिंग अप भी कर सकता है, बैंकों के बंद होने की स्थिति आ जाती है। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट, जब एनपीए बढ़ता है तो भैया एनपीए के बढ़ने से हमारे पॉलिटिकल चुनावी स्थिति और हमारे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब एनपीए बढ़ेगा तो इससे सरकार को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स किस पर पे करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब टैक्स पे करेंगे। अब जब बैंकों का एनपीए हो रहा है तो एनपीए होने से बैंकों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, जब बैंकों को प्रॉफिट नहीं हो रहा, बैंक लॉस में आ गया, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो सरकार को टैक्स पे करेगा ही नहीं, जिससे क्या हो गया, सरकार का ये लॉस हो गया कि सरकार को अब उन बैंकों से टैक्स नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बैंक प्रॉफिट में ही नहीं है, वो लॉस में, तो टैक्स कहां से पे करेंगे। तो बैंक को क्या होता है, इससे देखा जाए तो सरकार को टैक्स नहीं मिलता, जिससे कि सरकार की समस्या आती है। दूसरा, अगर सरकार ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे है, भाई गवर्नमेंट भी खरीदती है, सरकार ने मान लो एसबीआई के शेयर खरीद रखे है, आपका अगर लॉस हो गया तो ना तो सरकार को टैक्स मिलेगा, और दूसरा अगर सरकार ने शेयर खरीदे थे तो शेयर्स पे मिलता है हर साल डिविडेंड, अब सरकार को वो भी नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, और सरकार छोड़ो जो हमारे शेयर होल्डर थे उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड वाला पैसा तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो, इक्विटी शेयर होल्डर
को डिविडेंड वाला पैसा कब मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अब जब वो बैंक एनपीए में आ गया, उसका लॉस हो रहा है, तो वो सरकार को टैक्स भी नहीं देगा, सरकार को डिविडेंड भी नहीं देगा, और ना ही अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली पूरे के पूरे देश के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा। अब सरकार देश का डेवलपमेंट कैसे करे, तो ये क्या बन गए, ये आपके 8 इंपैक्ट बन गए जो कि एनपीए के ऊपर आपने देखे। चलिए अब आते हैं अपने आखिर टॉपिक पे। बच्चों एक होता है नेट एनपीए, एक होता है ग्रॉस एनपीए। क्या बोला, एक होता है नेट एनपीए, एक होता है ग्रॉस एनपीए। अब भाई बैंक वाले इतने पागल भी नहीं है कि पैसा दे दिया और वो सारा एनपीए हो गया। भाई बैंक वाले जब आगे लोन बांटते हैं, जब बैंक वाले आगे लोन बांटते हैं, पैसा देते हैं, तो बैंक वाला उस लोन के लिए एक अलग से रिजर्व या प्रोविजन बना के चलता है कि कल को ये पैसा डूब गया तो मेरे पास कुछ गुल्लक में मैंने प्रोविजन बनाया था। जैसे कि अकाउंट्स में कंपनी क्या करती है, जब कंपनी किसी डेटर को पैसा देती है और लगता है कंपनी को वो डेटर पैसे लेके भग जाएगा, तो कंपनी उसके लिए पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाकर चलती है कि इस प्रोविजन में कुछ पैसा इकट्ठा करते रहेंगे कि कल को वो भग गया तो यहाँ से पैसा निकाल के अपने आप को मैनेज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? तो ऐसे ही जब बैंक लोन बांटता है तो बैंक भी ऑलरेडी कुछ प्रोविजन बना के चलता है कि भाई कल को वो लोन लेके भग गए तो भाई हमारे पास कुछ ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, हमने गुल्लक बनाई थी ऐसे लोगों के लिए कि कल को ये लोन लेके भग गए तो इस गुल्लक में से पैसा निकाल के अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। तो जब जितना भी लोग पैसा लेके भगे उसको बोलते ग्रॉस एनपीए। कि मान लो एक व्यक्ति था, उसको मान लो मैंने 100 रुपये का लोन दिया, छोटा एग्जांपल है, 100 रुपये का लोन दिया, वो 100 रुपये का लोन लेके भग गया, दैट इज माई ग्रॉस एनपीए। लेकिन 100 रुपये मेरा टोटल लॉस नहीं है, मुझे लग रहा, मुझे पता था पहले से वो भगेगा, मुझे पता था, तो उसके लिए अलग से मैंने एक गुल्लक बना रखी थी जिसके अंदर मैं अलग से पैसा जोड़, देखो वैसे देखा जाए ये पैसा ही मेरा ही है, लेकिन ये बस क्यों बनाया मैंने, ये मैंने साइड बाय साइड इसलिए बनाया ताकि ऐसे लोग अगर पैसे लेके भग जाए तो मेरा काम रुके ना। भाई वो पैसे लेके भग गया, अब भाई मेरा काम रुक जाएगा ना, तो मेरा काम ना रुके तो मैंने अलग से गुल्लक बनाई, उसमें पैसा ऐड करता आ गया, कल को पैसे लेके भग गया तो उस पैसे की रिकवरी मैं यहाँ से करूँगा ताकि मेरा काम चलता रहे। वो पैसे लेके भग गया, यहाँ भी कुछ पैसा नहीं पड़ा तो लॉस मेरा हो गया, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा, सब लेके भग गया वो, तो मैं काम कैसे करूँ, मैं अपनी एक्टिविटी किस प्रकार आगे बढ़ाऊँ, तो भाई एक अलग से गुल्लक बना रखी है, वो पैसे लेके भग जाएगा तो यहाँ से पैसा निकाल के अपना काम आगे बढ़ाऊँगा। तो मान लो 100 रुपये का लोन दिया और वो लेके भग गया तो 100 रुपये हो गए ग्रॉस एनपीए, लेकिन गुल्लक बनाई थी उस गुल्लक में मैंने 60 रुपये जमा कर लिए थे, कितने रुपये, 60 रुपये जमा कर चुका था, वो लेके भग जाएगा तो मेरे पास 60 रुपये तो है, तो 60 मैंने वहाँ से निकाल लिए अपने काम करने के लिए, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो लॉस केवल 40 रुपये का हुआ, 100 लेके भग गया लेकिन 60 ऑलरेडी उसके नाम के अलग से मैं जमा कर रहा था, तो 60 वहाँ से निकाल लिए, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा केवल 40 रुपये का नुकसान हुआ, और जो नुकसान मेरे को 40 रुपये का हुआ उसको बोलूँगा नेट एनपीए। उसे क्या बोलूँगा मैं, उसको बोलूँगा नेट एनपीए। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि भैया ये पैसे भी तो अपना ही है, एक्चुअल में लॉस 100 रुपये का तो हुआ है, लेकिन देखो वो पैसा मैंने ऐसे लोगों के लिए रख रखा था, वो पैसा मैंने ऐसे लोग के लिए बना रखा था कि कल को वो लेके भग जाए तो यहाँ से पैसे निकाल लूँ, तो ये जो पैसा है ये भी मेरा जो है क्या होगा, उस ग्रॉस में से जितना भी लॉस हो उसमें से ये पैसा मैं हटा दूंगा, सॉरी जो भी पैसा मेरे लेके भगा उसमें से ये पैसा है उसको मैं माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, ग्रॉस एनपीए रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द लोन दैट हैव बीन डिफॉल्टेड या अनपेड बाय द बोरोवर। जितना भी टोटल लोन था जो भी बोरोवर ने अनपेड किया, डिफॉल्ट किया, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। द ग्रॉस एनपीए डज नॉट अमाउंट टू द एक्चुअल लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जितना भी ग्रॉस एनपीए हुआ वो मेरा एक्चुअल लॉस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऐसे अनपेड डेट के लिए, बैंक वाले ऐसे अनपेड डेट के लिए प्रोविजन बनाकर चलते हैं। समझ में आ गया? अब नेट एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए रेफर्स टू द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द प्रोविजन मेड फॉर एनपीए फ्रॉम ग्रॉस एनपीए। देखो इस ग्रॉस एनपीए के लिए जितने भी मैंने क्या बनाए थे,
प्रोविजन बनाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो जैसे एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है, मान लो 1000 रुपए का किसी को मैंने लोन दिया। अब मैंने अलग से बनाया था प्रोविजन, और उस प्रोविजन में से बेटा मान लो 300 रुपए आ गए कि अलग से मैंने गुल्लक बनाई थी, वहां पर मैं पैसा ऐड कर रहा था कि कल को कोई पैसे लेके भग जाएगा तो वहां से मैं कवर कर लूंगा। तो 300 वहां से आ गए। अच्छा, उस लोन वाले व्यक्ति का मैंने इंश्योरेंस भी करवाया था। होता है अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, उसके मैंने इंश्योरेंस करवाया था, वो पैसे लेके भग गया। और मान लो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम बेटा मान लो कितने का मिला, 200 का मिला, और वो व्यक्ति अपनी कुछ संपत्ति भी मेरे पास रखवा गया था, उसको लोन दिया, उसने अपनी कुछ असेट भी कुछ संपत्ति भी मेरे पास रखवाई थी, उसको तो बेचूंगा। मान लो अपनी कार रखवा गया था, उस कार को मैंने बेचा, उससे मुझे अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, उससे मुझे अमाउंट बेटा मान लो कलेक्ट हुआ 200 रुपए। तो देखो 1000 रुपए लेके भगा, लेकिन 300 मैंने अपने जोड़े थे, 200 का क्या मिल गया, क्लेम मिल गया, और 200 रुपए कलेक्ट हो गए संपत्ति बेच के। तो कुल मिला के 1000 रुपए में से 700 रुपए तो रिकवर हो गए। तो अल्टीमेटली देखा जाए मुझे केवल 300 रुपए का लॉस हुआ, और इसी लॉस को मैं बोलूँगा नेट NPA। तो होपफुली ये नेट NPA या ग्रॉस NPA होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सारी बातें कवर करी, NPA का मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, कॉजेस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, और नेट NPA ग्रॉस NPA क्या होता है। बट नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि अपना NPA के दो बड़े बड़े भयंकर भयंकर एपिसोड कौन से है, कि दो बड़े बड़े लेवल के NPA देश में कब हुए, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।